हरितोष, मुझे कैमरा पे बात करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मुझे कैमरा के सामने कॉन्फिडेंस ही नहीं आता है। जब भी मैं कैमरा देखता हूँ मुझे ऑकवर्ड सा लगता है। क्या आपको भी ये सारे सिम्टम्स हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ ऐसे 5 टिप्स जो आपको कैमरा कॉन्फिडेंट बनाने में मदद करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अकेले नहीं हैं। एज पर रिसर्च, 69% पीपल फील सेल्फ कॉन्शियस जब वो कैमरे के सामने होते हैं। तो आप अकेले नहीं हैं, 7 out of 10 पीपल फील द सेम। बट द पॉइंट इज कि कैमरे के सामने आपकी पर्सनालिटी आने के लिए, आपको लोगों से डीपली कनेक्ट करने के लिए, आपको अपना ब्रांड और रेपुटेशन बिल्ड करने के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना कैमरा कॉन्फिडेंस बिल्ड करें। जब आप कैमरे पे बोलें, चाहे वो एक रिकॉर्डेड वीडियो हो, चाहे वो एक लाइव ऑनलाइन मीटिंग हो, या इंटरव्यू हो, या पैनल डिस्कशन हो, योर पर्सनालिटी शुड शो अप। सो दैट इज़ व्हाई यू नीड टू फॉलो ऑल दीज 5 टिप्स टू गेट द सक्सेस। लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, प्रिपेयर थरली। चाहे आपका वो इंटरव्यू हो, चाहे आपको वो ऑनलाइन मीटिंग करना हो, जहाँ पे भी आपको कैमरे पे अपने आप को कॉन्फिडेंट दिखाना है, उसके लिए यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। द कॉन्फिडेंस इज अर्नड। सो हाउ डू यू अर्न कॉन्फिडेंस? इज बीइंग प्रिपेयर्ड। सो यू शुड प्रिपेयर योर स्क्रिप्ट और टॉक, यू शुड प्रैक्टिस, यू शुड गो थ्रू इट ओवर एंड ओवर अगेन, एंड सो मच सो दैट इट बिकम्स पार्ट ऑफ इट। नंबर 2 इज सेटिंग अप योर स्पेस। नाउ फर्ज कीजिए कि अगर आप कैमरे के सामने हैं बट आपका कैमरा ऊपर की तरफ है, तो आप कुछ ऐसे देखेंगे जिससे कि आपका चेहरे का थोड़ा ही पोर्शन दिखेगा और इट विल लुक ऑकवर्ड। सिमिलरली अगर कैमरा नीचे है तो आप ऐसे देखेंगे, ताकि तो ऐसे लगेगा कि आप किसी से नीचे की तरफ बात कर रहे हैं। सो द बेस्ट वे टू सेटअप योर स्पेस इज कैमरा एट आई लेवल। अभी मैं जब कैमरे पर यह रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरा कैमरा मेरे आई लेवल पर है, एंड It looks like I'm looking into your eyes, doesn't it? So you have to make sure कि आपका space ऐसा हो जो first of all clean हो, clutter free हो, और साथ के साथ कैमरे का height ऐसा adjust हो जाए कि वो आपके eyes के parallel में हो। नंबर 3, it may sound cliche but there is no escape to it, you have to practice, because practice makes it perfect, makes it excellent. अगर आपका कोई important talk है, you have to practice it beforehand. You cannot go on the fly and just deliver the talk. It will not look confident. You will not feel confident. So, agar aapko kuch bhi aisa important talk, meeting, presentation hai, you have to practice many, many times. I suggest at least 8 to 10 times before you go for the actual presentation. So, make sure that you are practicing it diligently, getting feedback, improving it. That really helps you get the confidence. Now let's talk about the 4th one, which is it's a bit philosophical, but it is very, very important for you. Focus on your audience. A lot of time हम अपने में इतना खो जाते हैं कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, मेरा कपड़े ठीक है कि नहीं, मेरे बाल ठीक है कि नहीं, हम वो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्पीकिंग में वो भूल जाते हैं, एंड दैट इज द ऑडियंस। अगर आपका फोकस आपके ऑडियंस पे है, you will feel confident. This is a quote by Mark Brown, world champion of public speaking, who says that remember your friend behind the lens. तो जब आप कैमरे में देखें तो आप कैमरे को एज अ मशीन मत देखो, आप सोचो कि ये कैमरा एक ऐसा जरिया है जिसके थ्रू आप पूरी दुनिया के दोस्तों से, ऑडियंस से, टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। When you look at that, it changes your perspective and it gives you a lot of confidence. And then 5th and final tip is embrace perfection. Nobody is born perfect. In fact, I would say nobody is perfect. We always keep on striving to become better, to excel at what we are doing. So to get to that stage, you have to remember that it has to start with a mess. Unless you are that 0.0001% of the gifted people, all of us start by making bad videos, imperfect videos. If I look back at my videos 4-5 years back,
Even I can't watch it for more than few minutes because I don't feel like that. I don't sound like that. I don't have that level of imperfection right now. But the point is, that was the start. तो अगर आपको कैमरा कॉन्फिडेंस लेना है, कैमरा कॉन्फिडेंस अर्न करना है, यू हैव टू स्टार्ट समवेयर. यू हैव टू गेट आउट ऑफ दिस परफेक्शनिज्म माइंडसेट दैट ओनली व्हेन आई लुक परफेक्ट, ओनली व्हेन आई साउंड परफेक्ट, ओनली व्हेन आई फील परफेक्ट, देन ओनली आई विल डू. दैट इज नेवर गोइंग टू लेट यू डू एनीथिंग. सो यू हैव टू स्टार्ट एट वेयर यू आर. आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट दैट यू स्टार्ट टेकिंग अप एज अ चैलेंज. So a lot of time when people come to my community, I give them a 30-day speaking challenge where I don't give them topic, I don't tell them techniques, but I tell them this is a confidence building exercise. जिसमें आपको अगले 30 days पे either create a video and share in the community or go live on your choice of social media, but you have to make a video continuously for 30 days. And when people see that, people do that, I can see their confidence go up multifold by the end of this exercise. So I request you also to take that pledge and start building that confidence through practice, through embracing imperfection. So yes, these are the 5 tips which can help you become more confident and on camera. So let me know in the comments which was the tip which really gave you a bulb on. I would love to know that, and also let us know which other topic do you want us to cover. I'll see you in the next video. Until then, take care, stay safe, and stay blessed.